दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे रॉयल क्यू वर्सेस नोमिनेक्स एक्सचेंज। दोस्तों डिफरेंस बात करेंगे दोनों में, और दोनों में जो भी इन्वेस्टमेंट है लोगों का वो किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है, और सबसे बेस्ट कौन सा है। अगर आप रॉयल क्यू में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिंदास कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप रॉयल क्यू में ज्वाइन करते हैं, इनकी बोर्ड को आप एक्टिव करते हैं, तो आपको समथिंग $50 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आप जैसे ही रॉयल क्यू की बोर्ड को एक्टिव करते हैं आपको $50 कैशबैक मिलने वाला है, वो भी मेरी तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है कि अब रॉयल क्यू में और नोमिनेक्स वर्सेस नोमिनेक्स, ओके, रॉयल क्यू में डिफरेंस इतना है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि अपने ही वैलेट में पैसा रखना है USDT, और अपने ही वैलेट से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी ट्रेड रॉयल क्यू बोर्ड से यानी कि करवा सकते हो, जिससे आपको प्रॉफिट यहाँ पे लगभग मान के चलिए 10% से लगा के 50% मंथली यहाँ पे प्रॉफिट होता है विदाउट रिक्स। यानी कि आपका फंड आपके पास है, चाहे रॉयल क्यू ट्रेडिंग कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, तो भी आपका फंड आपके पास रहने वाला है। दूसरी बात नोमिनेक्स की अगर बात करेंगे तो नोमिनेक्स एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। दूसरी बात इसमें जो भी आप NMX टोकन से स्टैकिंग देते हो, वहाँ पे आप जब NMX टोकन एंड USDT अगर आप इसमें लिक्विडिटी पूल में अगर देंगे तो आपको यहाँ पे समथिंग 10% से 15% तक प्रॉफिट होता है, वो भी मंथली, ठीक है। डिफरेंस रॉयल क्यू में फंड यहाँ पे टोटल फंड आपके पास आपके वैलेट में रहने वाला है, और अगर नोमिनेक्स की अगर बात करेंगे तो नोमिनेक्स में आप जब भी लिक्विडिटी पूल दोगे तो यहाँ से आपका जो भी फंड होगा आपके वैलेट से कट जाएगा और सामने वाले एक्सचेंज वाले के पास यानी कि उनके वैलेट में फंड चला जाएगा। डिफरेंस इतना है। और अब मैं बात करूंगा आगे की बात। सो दोस्तों बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि रॉयल क्यू में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना पैसा यहाँ पे सेफ नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब आपके ही वैलेट में कोई करेंसी ये बाय करेगा और थोड़े से प्रॉफिट में वो सेल करेगा। अब वो ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे कि कोई करेंसी की प्राइस ज़्यादा डाउन हो गई 15-20%, तो ये किसे काम करेगा। तो मैं आप उनको वापस वही कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी फंड होता है आप उसके हिसाब से उसको सेट करिए, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करिए कि इतना डाउन होने के बाद उतना वो परचेज करे, उतना डाउन आने के बाद में वो उतना परचेज करे। अब रही कि नोमिनेक्स की बात, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं है रॉयल क्यू में। अब अगर नोमिनेक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग अगर टोकन की प्राइस की बात करते हैं तो $6 के आसपास है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो इनके पास सप्लाई है वो आप देखिए, टोटल सप्लाई है 28,17,08,485 टोकन अभी तक सप्लाई हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई इतनी है, उसमें से कितने टोकन सप्लाई हुए वो किसी के पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप इनके सेल्फ पर रिपोर्ट डाटा है वो भी अनवेरीफाई है, यानी कि वो चाहे जितने टोकन्स और बना के उसको यहाँ पे एक्सचेंज में जाके या फिर इनके नोमिनेक्स एक्सचेंज में जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाटा इनका वेरीफाई नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं रॉयल क्यू में, तो यहाँ पे जब भी
आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपके ही वैलेट में रहने वाला है, बल्कि दूसरे के वैलेट में नहीं जाने वाला है। ना ही सामने वाला ट्रेडर जो होता है वो ना ही आपका फंड को विड्रॉल कर पाएगा, ना ही वो वहां से एग्जिट कर पाएगा। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करता है रॉयल क्यू, यानी कि नोमिनेक्स के टोकन की तो बात हो गई, अब रॉयल क्यू की बात करेंगे कि रॉयल क्यू जो है समथिंग, यहाँ पे कोई करेंसी उसने परचेज की, फॉर एग्जाम्पल $10 में उसने कोई करेंसी परचेज की, ठीक है, यानी कि 1.6% की आपने सेटिंग की टेक प्रॉफिट रेटियो के हिसाब से, यानी कि वो उसी करेंसी को 10.16 डॉलर में वो सेल करेगा। ठीक है, अगर आपने इनिंग कॉल बैक, यानी कि यहां से डाउन ट्रेड कोई करेंसी आती है 0.3%, तो वो आपकी जो जो भी आपका टोकन होगा उसको 10.129 डॉलर में वो पूरा सेल कर देगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में अगर नीचे भी आता है 0.3% में, तो वो सेल करेगा और यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है 0.12 सेंट के आसपास। अगर बात करेंगे कि आप यहाँ पे सेट करते हो 2.5%, $10 का आपने कोई चीज परचेज किया 2.5 के हिसाब से, 0.25 सेंट का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है, और वापस अगर जीरो थोड़ा सा डाउन ट्रेड आता है और आपने यहाँ पे 0.3% का सेटिंग कर रखा है, तो वो यहाँ पे आपकी करेंसी को सेल कर देगा और यहाँ से वो एग्जिट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल वापस लेने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ रॉयल क्यू, यानी कि करेंसी ट्रेडिंग सेटिंग, कोई अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि मार्केट गिर गया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखना, नंबर ऑफ कॉल 7, टेक प्रॉफिट 1.6%, 0.3% इनिंग कॉल बैक, मार्जिन कॉल ड्रॉप 4%, कॉल बैक यानी कि 0.5%। ठीक है, यानी कि कोई करेंसी यहाँ से उसने $10 का यहाँ पे परचेज किया, 1.2% के हिसाब से आपने रेटियो रखा यहाँ पे, सॉरी 1.2% प्लस गया, उसके बाद में मार्केट गिर जाता है। ठीक है, गिरने के बाद में आपका जो कैपिटल अमाउंट होता है उससे आधा डॉलर आपको यहाँ पे कम मिल रहा है, यानी कि 4-5% तक मार्केट अगर गिरता है तो आपको यहाँ पे $9.5 मिलते हैं $10 से। अब यहाँ पे उस वो सिस्टम क्या करेगा कि यहाँ से मार्केट जब भी 0.5% ऊपर जाएगा, देखना इस बात को, 0.5% आधा परसेंट ऊपर जाएगा, $20 का क्वांटिटी परचेज करेगा वो। ठीक है, वापस थोड़ा ऊपर जाएगा यहां से, थोड़ा 2% अगर और ऊपर जाता है तो $30.6 का प्रॉफिट होता है आपको यहाँ पे। अगर यहाँ पे जाके भी मार्केट थोड़ा नीचे आता है 0.3%, तो आपका जो प्रॉफिट होता है आधा डॉलर का प्रॉफिट करके वो बाहर निकल जाएगा, और वो करेंसी जो भी आपके पास उसने परचेज की होगी उसको वो सेल करेगा। ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो कुछ भी मेरे को नहीं लगता है, अदरवाइज मार्केट में ऑलरेडी सब जगह रिस्क है ही है, परंतु इस जगह अपना पैसा अपने पास है, बल्कि ना ही किसी को देना है। ठीक है, यानी कि आपने $1,000 लगाया, $1,000 में से अगर आपका $800 भी हो जाता है तो भी वो पैसा आपके ही वैलेट में रहने वाला है। ठीक है, जब भी कोई भी करेंसी, कोई भी मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो वो भी ऊपर जाएगा, हो गई बात। और अब बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे आपको $100 की ज्वाइनिंग है। ठीक है, वो रोबोट एक्टिवेशन चार्ज है, और यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको रोबोट मिलता है, रिजर्व फी USDT यानी कि 120 USDT, 20 USDT आपको असेट में रखने हैं, यानी कि आपके वैलेट में यहाँ पे रखने होंगे, जहाँ से ये बंदा जब ट्रेड करेगा तो आपके वैलेट में से वो बंदा कोई विड्रॉल नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपके वैलेट में $20 होने अनिवार्य हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन जो चार्ज होते हैं, स्ट्रेटजी फीस होती हैं, उस तरह से आपको आपके वैलेट में फंड रखना भी पड़ेगा।
दूसरी बात, यहाँ पे फंड योर अकाउंट बाइनांस एक्सचेंज एंड ह्यूएमबी ग्लोबल, इसमें सबसे बेहतर आप बाइनांस यूज करिए, सबसे बेस्ट है। और अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो वर्किंग लीडरों के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करते हैं तो आपको $50 का एक्टिवेशन जब भी आप करोगे $50 आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। V1 में आपको यहाँ पे डायरेक्ट का 30% मिलने वाला है, टीम रिवार्ड 20% है। तो अगर बात करेंगे प्रमोशन के हिसाब से तो नोमिनेक्स से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि नोमिनेक्स जो आपको एक पावर लेग देता है, जब भी आप IID एक्टिवेशन करते हो तो आपके एक लेग जो है नोमिनेक्स चलाता है, वो भी रोबोट से, और वहाँ से ऑटोमेटिकली आपके पावर लेग वो जनरेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे IID नहीं लगाई है तो IID लगा के देख लीजिए, 5 दिन के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि पावर लेग, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक सबसे बेस्ट कंडीशन है कि अगर आप वर्क करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, ना ही किसी के वैलेट से आएगा। जब भी कोई बंदा ट्रेड करेगा, जब भी कोई एक्टिवेशन करेगा, तो उनके ही वैलेट यानी कि असेट से आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपके वैलेट में पेमेंट आने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये रहा $20 आप यहाँ पे असेट में रखते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। उसमें जो ट्रांजेक्शन फीस लगती है, कोई स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो 1% के हिसाब से, स्ट्रेटजी में जितना भी प्रॉफिट निकलेगा 1% उसको जाएगा, ट्रांजेक्शन फीस के हिसाब से, यानी कि टीम रिवार्ड, ये रहा आपके टीम के हिसाब से आपको इतना रिवार्ड के हिसाब से डिवाइड होने वाला, ठीक है। पीर रिवार्ड भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है 5%। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे V3 V4 में भी अगर चले जाते हो तो आपको यहाँ पे पर डे की 200 से $300 के आसपास अर्निंग होती है, जो नोमिनेक्स में कभी आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं है, अपना पैसा अपने पास है। नोमिनेक्स की अगर बात करेंगे तो आपका पैसा एक्सचेंज के पास है, ना ही कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास, ठीक है। तो अदरवाइज कभी भी अगर एक्सचेंज में कभी दिक्कत आती है, नोमिनेक्स में कभी दिक्कत आती है, तो आपने जो भी आपने लिक्विडिटी पूल के लिए पेमेंट लगाया था वो आप वहां से कभी विड्रॉल नहीं कर पाओगे। और रॉयल क्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी पेमेंट रहेगा आपके वैलेट में रहेगा, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको ट्रेड क्लोज करनी है तो कर सकते हो, कभी भी आपको यहाँ से पैसा निकालना है तो निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।